अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान और आज मैं यूट्यूब के चैनल मोहम्मद रिजवान के हवाले से आप लोगों के साथ बराह रास्त डिस्कशन में हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि आज 21 अप्रैल 2020 है। आज के दिन शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान को बनाने में एक बहुत अहम करदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान को इस दुनिया में मर्ज़ वजूद में लाने के लिए अपनी शायरी के थ्रू जो मुसलमान थे बर सग़ीर में, उनको ख्वाब गफलत से जगाया और उनको मज़ीद आगे ले जाने के लिए, एक आज़ाद ममलकत के लिए एक बहुत बड़ी कावश की। अल्लामा इकबाल की बेसिकली जो पोइट्री है वो दुनिया की तकरीबन 107 ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और मलेशिया में आप लोग जो देखते हैं कि इतना मुसलमानों के ऊपर इस वक्त अरूज है, उन्होंने भी तकरीबन अल्लामा इकबाल की जो पोइट्री थी उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इतनी जो है एक इम्प्रूवमेंट हासिल किया। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो खुतबा था जो उन्होंने 1930 को दिया था, इसमें उनका एक जो मोटो था वो यही था कि जो बर्रे सगीर के शमाल और मगरब की जानिब जो लोग हैं, स्पेशली जो मुसलमान हैं, उनको एक अलहदा से रियासत बनानी पड़ेगी और ताकि वो लोग वहाँ पे आसानी के साथ अपने इस्लाम पर कायम रह सकें और जो इस्लाम की तालीमात हैं उन पर अमल कर सकें। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन जो बरसगीर के मुसलमान थे उनसे नाराज़ होकर वापस यूके जा चुके थे, तो अल्लामा इकबाल ने एक काविश की और उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बार बार खत लिखे और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप मेहरबानी फरमाएं कि बरसगीर वापस आ जाएं, कि अगर आप लोग बरसगीर वापस ना आए तो मुसलमानों के पास ऐसा कोई दूसरा लीडर नहीं है कि जिसकी बदौलत ये पाकिस्तान को बना सके। तो कायदे आज़म ने जब अल्लामा इकबाल के वहत पढ़े तो उन्होंने वापस इंग्लिस्तान से पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया और वह पाकिस्तान आए और उन्होंने काविश करके जो है पाकिस्तान को बनाने में एक अहम करदार अदा किया और बिलाहर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में लाने के लिए अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ही अहम करदार अदा किया। उन्होंने बहुत ही शायरी की, उन्होंने बहुत से शायरी के जो मजमूए थे वो लिखे। मुसलमानों को उन्होंने एक सेंटिमेंटल जो एक बिहेवियर है उसके थ्रू उन्होंने हौसला दिया और मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है क़यादत में पाकिस्तान को हासिल कर लिया। आज चूँकि 21 अप्रैल 2020 है, आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है। अल्लाह ताला अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्र पे करोड़ों रहमतें अता फरमाए और उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस आले सवाब के लिए एक कोशिश करें और जितना हो सके उनको इस आले सवाब करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया।